हेलो दोस्तों मेरा नाम है सागर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 12 के बारे में व्हाट इज स्टेट होता क्या था पहले के जमाने में जो भी राजा होते थे वो अपने सब्जेक्ट्स के वेरियस राइट्स को रिकॉग्नाइज करते थे जो कि एक अश्योरेंस की तरह होता था कि ये जो भी राइट्स एंड लिबर्टीज हैं इनको राजा रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा धीरे धीरे ह्यूमन थिंकिंग इवॉल्व होने लगी ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ ऐसे बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स होते हैं जिन पे कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता जिनको स्टेट को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा इसी ऑब्जर्वेशन का नतीजा है कि पहले मैग्ना कार्टा, फिर बिल ऑफ राइट्स एंड देन फाइनली फंडामेंटल राइट्स वेर कॉन्सोलिडेटेड। इन 1928, मोतीलाल नेहरू ऑब्जर्व वी सुड गारंटी फंडामेंटल राइट्स इन सच अ मैनर कि वो किसी भी सर्कमिस्टांस में विड्रॉ ना हो सके नाउ फंडामेंटल राइट जो कि ग्रांट किए जाते हैं सिटीजन्स को इन सर्टेन सिचुएशन टू नॉन सिटीजन एज वेल ये भी एक तरीके की गारंटी होती है कि स्टेट सेल नॉट एक्ट अगेंस्ट दीज फंडामेंटल राइट अगर स्टेट कुछ भी ऐसा करता है कि फंडामेंटल राइट right को इन्फिंज करता है देन दैट अग्रीव पर्सन कैन श्रो द स्टेट और इसी से सवाल उठता है वर्ट इज स्टेट किनके आगे सेंसन फाइल हो सकते हैं किनके आगे नहीं

तो चलिए अब आर्टिकल 12 को देखते हैं जो कि स्टेट को डिफाइन करता है और ये कहता है कि ये चार ऑथोरिटीज ही स्टेट होंगी तो अगर आप पहले के दो पॉइंट्स को देखो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट तो अगर आर्टिकल ट्वेल्व ना भी होता तब भी ये क्लियर है की हाँ भाई की ये स्टेट ही होंगी सो नाउ द एम्बिगस पार्टीज पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर लोकल ऑथोरिटीज एंड अदर ऑथोरिटीज सो लेट्स डिस्कस दिस नाउ लोकल ऑथोरिटीज को डिफाइन किया गया है जनरल क्लॉज एक्ट के सेक्शन थ्री क्लॉज थर्टी वन में अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे तो इसमें म्यूनसिपालिटीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड विलेज पंचायत जैसी बॉडीज का रेफरेंस दिया गया है मतलब जो भी लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती हैं, वो होती हैं लोकल ऑथोरिटी तो पंचायत म्युनिसपालिटीज ये सारी की सारी स्टेट होंगी आर्टिकल 12 के प्रोस्पेक्टिव से तो जब अदर ऑथोरिटीज को इंटरप्रेट किया जा रहा था या फिर उसके स्कोप को डिफाइन किया जा रहा था तो उस टाइम पे स्टेट के डायनेमिक नेचर को भी ध्यान में रखा गया तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछू की क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट होगा क्या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं वो स्टेट होगा क्या जुडिशियरी स्टेट होगी तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत से जजमेंट में अदर ऑथोरिटीज को इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिटरमाइनिंग टेस्ट ये नहीं होता कि कोई बॉडी स्टेचुअरी है या नॉन स्टेचुअरी कोई बॉडी प्राइवेट है या पब्लिक बॉडी का नेचर गवर्नमेंटल है सोवरन है या कुछ और डिटरमाइनिंग टेस्ट ये होता है की वेदर अ बॉडीज एक्टिंग एज अ इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ अ स्टेट अगर हाँ तो उस बॉडी को हम अदर ऑथोरिटीज मानेंगे आर्टिकल ट्वेल्व के प्रोस्पेक्टिव से सो फाइनली अजय हाशिया वर्सेज खालिद सीध केस में हमें सुप्रीम कोर्ट ने छह क्राइटेरिया दिए जो हमें यह डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं कि क्या कोई बॉडी स्टेट होगी या नहीं

ओ गेल भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के थ्रू बनी है वो स्टेट कहलाएंगी आर्टिकल ट्वेल्व के प्रोस्पेक्टिव से एंड इन केस ऑफ जुडिशियरी जब जुडिशियरी अपना जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है तब वो स्टेट नहीं कहलाएगी लेकिन जब जुडिशियरी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रही है तब वो भी आएगी आर्टिकल 12 में स्टेट के अंडर और उसके एक्शंस को भी चैलेंज किया जा सकता है ये था आर्टिकल ट्वेल्व उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर करें और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं